आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक फिजिक्स में पावर की। पावर जैसे कि आपको पता है पावर कई बार हम यूज कर चुके हैं कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी पावर एक्स है, या फिर हम बात कर चुके हैं कि आउटपुट समथिंग है और इनपुट उसने इतना लिया, इसकी इफिशियंसी पावर बताइए, इस तरह क्वेश्चन। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पावर का मतलब इन लेमन तरीके से क्या है। पावर का मतलब लेमन तरीके से क्या होता है कि वो कितना काम कर रहा है। सुधीर जी बताओ भैया उसने इतना काम कर दिया वो अपने उसकी इतनी पावर होगी, बट बेटा वो आउटपुट है वो पावर नहीं होगा। पावर आउटपुट और इनपुट में समझना कैसे बता दूंगा आपको। जैसे मैं कह दूं कि एक अप्लायंसेस है, जैसे कि सिंपल सी बात ले लेते हैं कि एक आपका सबमर्सिबल पंप है, ठीक है ना। सबमर्सिबल पंप क्या करता है सर, पानी को एक सर्टेन हाइट तक फेंकने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें हम जो बार 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 बोल देते हैं कि सर सबमर्सिबल पंप की पावर इतनी है, पावर उसकी होती है किलोवाट आर, ठीक है ना, क्योंकि सबमर्सिबल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं सर उसकी पावर कम रह गई, उसकी जो हो गया। अब समझना क्या है, पहले तो एक बड़ा होता है उसका नाम होता है एफिशिएंसी। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उसकी होती है एफिशिएंसी, हम कैलकुलेट करते हैं और एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कि वो आउटपुट कितना दे रहा है और उसने इनपुट कितना लिया, इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं कि सर आउटपुट यानी कितना उसने काम कर दिया, बिल्कुल आपको लेवन तरीके से ऊपर भागे ले जाऊंगा पावर की बात, ठीक है ना। आउटपुट मतलब उसने कितना काम कर दिया और इनपुट मतलब उसने कितना कंज्यूम कर लिया इस काम को करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ काम कर दिया, यानी कि क्या हुआ, वर्क डन ही तो निकला होगा आउटपुट के फॉर्म में। तो भाई देखना पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर का डेफिनेशन है काम कर दिया मीन वर्क, कितने टाइम में किया अपॉन टाइम। तो पावर को यही से डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज अ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज पावर। जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग वास्तविकता में इफिशियंसी यूज करते हैं, और इफिशियंसी को हम लोग बोलते हैं कि इफिशियंसी पावर है, जबकि वास्तविकता में इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट कितना काम किया बटे अपॉन इनपुट, इनपुट में से कितना हमने उसको दे दिया, वैल्यू कितनी दे दी, ठीक है ना, और एन होती है उसकी इफिशियंसी, ठीक है। जबकि पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन, कितना काम किया कितने समय में। अब आते हैं पावर का सिंबॉलिक फॉर्म में बात करें तो पावर इक्वल टू आ जाए आपका डब्ल्यू अपॉन टी। टी मतलब कहीं पर भी यदि डेफिनेशन हमें बनानी हो, डेफिनेशन बनानी हो और कहीं पर भी टी अपॉन में हो तो हम एक लाइन याद रख सकते हैं कि टाइम रेट, ठीक है ना। अब देखते हैं आप यदि डिफाइन कर देते हैं टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज अ पावर। टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज अ पावर है। जब किसी को याद आ रहा हो जैसे कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यदि वेग को डिफाइन करें तो क्या होगा, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट गिव्स वेलोसिटी, डन। तो वही बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहां पर सकती है कि टाइम रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज अ पावर। अब पावर को एक फॉर्म और भी हम यूज करते हैं, वो होती है पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर से फोर्स इनटू वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले याद रखना कि जो मैं इनटू लगाया है क्रॉस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पावर केवल स्केलर क्वांटिटी है, कैसे कि वर्क आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो और एक स्केलर क्वांटिटी का दूसरे स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और यहां से पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पावर इक्वल टू एफ इनटू वी कैसे निकला वो भी देख लेते हैं। आपको याद होगा डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डन। डब्ल्यू इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैं इस जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। बड़ा देखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी होता है, इसलिए पावर की फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना।
फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इनटू किया मैंने, लेकिन सर पावर कैसी क्वांटिटी मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी आई, तो जो इनटू यहां पर क्रॉस ना होकर डॉट के फॉर्म में होगा। वास्तविकता में आ गई ना, यहां पे मैंने इनटू समझाया है, लेकिन यहां पर वास्तविकता में आपके रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, डॉट के फॉर्म में होना चाहिए था। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यदि मैं डॉट लगा दिया तो अब क्या करना है, यहां पर कंपल्सरी हो जाएगा वेक्टर को डिनोट करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं डॉट लगाया तो वेक्टर डिनोट करना कंपल्सरी हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी में भी इसको मिल जाएगा, तो मैंने पहले बोल चुका हूँ कि यदि कभी एनसीईआरटी में डॉट लग एरो लगा हुआ ना मिले और डॉट लगाया गया हो तो थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको वो चीज बोल्ड में दिखेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जिस वर्ड को बोल्ड किया गया है उसका मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं पावर की कुछ यूनिट पर। तो सर पावर की यूनिट बेटा ऐसा यूनिट तो जूल होती है, बट पावर की जैसे कि आपने कहा कि आपने ट्रैक्टर लिया है या फिर कोई आपका इंजन है, तो इंजन की पावर जो होती है वो हॉर्स पावर में गिवन होती है कि सर एक पावर है जो आपको जो ट्रैक्टर है उसकी इतनी हॉर्स पावर उसकी शक्ति है, ठीक है ना। पावर मतलब शक्ति की बात कर रहा हूँ, हॉर्स पावर का हिंदी में मतलब होता है अश्व शक्ति, ठीक है ना। तो एक एचपी एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, ठीक है ना। वन हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, ठीक है ना। तो बेटा पावर में अब आते हैं वॉट को, हाँ एक और बता दो इसका, एक पावर की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन में भी हम पावर की बात करते हैं कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट की इतनी पावर, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा लास्ट ईयर हम लोगों ने टेंथ में पढ़ा भी था कि पावर इक्वल टू होता है हमारे पास फॉर्मूला वी इंटू आई, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में यदि हम पावर की बात करें तो वहां पर जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो वहां पर हमारी जो पावर की यूनिट होती है वो होती है किलो वॉट आवर, ठीक है ना, किलो वॉट आवर। और यदि आपको याद भी होगा कि 1 किलो वॉट इक्वल टू होता है 3.6, ठीक है ना, 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू इतना जूल, ठीक है ना, 3.6 और 5.0। वैसे आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3.6 × 10^5 = 6 × 1 kW, ठीक है ना। तो बेटा पावर के बारे में आपको बस इतना ही बेसिक नॉलेज चाहिए होगा और आपको चीज ध्यान रखना है जी एनसीईआरटी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर जो एफिशिएंसी है उसको पढ़ेगी कि ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना। चलिए भाई कुछ फॉर्मूले लिख लेना आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन भी करा लेता हूँ इसी पावर से रिलेटेड, ठीक है बेटा। इस कंडीशन पर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6.15, ठीक है ना, एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.15 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल टैंक वॉल्यूम 30 m³ इन 15 मिनट। बेटा एक ग्राउंड फ्लोर पर एक पंप रखा हुआ है और वो कुछ ऊंचाई पर उसका टैंक रखा होगा और टैंक का वॉल्यूम गिवन है 30 m³ और वो 15 मिनट में से फिल कर देता है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। आगे लिखा हुआ है इफ टैंक इज 40 m अबव द ग्राउंड, जो टैंक है वो ग्राउंड से 40 m ऊपर है, ठीक है ना, और 40 m ऊपर टैंक है और टैंक की कैपेसिटी कितनी है 30 m³, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, कैपेसिटी नहीं पता लगी, देखो कैपेसिटी निकालना पड़ेगा इसकी। आगे लिखा हुआ है इफ द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय पंप। यानी कि समझना बेटा, एक तो हमारे पास इसी में आप समझाया मैं आपको इफिशियंसी गिवन है 30% लिखा हुआ इफिशियंसी, ठीक है ना। वर्क डन आउटपुट, वर्क डन यानी कि आउटपुट पावर हम निकाल लेंगे उसकी, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू गिवन है, एक तो वैल्यू हमारे पास गिवन है हाइट कितनी है, दूसरी हमारे पास वैल्यू गिवन है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है ना, और टाइम हमारे पास गिवन है। तो इन तीनों का हेल्प करके हम आउटपुट पावर निकाल देंगे और क्वेश्चन में
क्वेश्चन में पूछा गया है इनपुट पावर कितना है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनपुट पावर कितना है, ठीक है ना। चलिए भाई तो अब देखना, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब कुछ गिवन हमारे पास उसी कंडीशन में है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं सब कुछ उसी कंडीशन में गिवन है। जैसे कि हमारे पास एक चीज जो गिवन है वो है टाइम, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम इक्वल टू 15 मिनट, टाइम इक्वल टू 15 मिनट गिवन है। दूसरा हमारे पास गिवन है इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम है 30 मीटर की, ठीक है ना, 30 मीटर की वॉल्यूम इक्वल टू 30 मीटर क्यूब। आगे इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट h गिवन है 40 मीटर, h गिवन है 40 मीटर, ठीक है ना, h 40 मीटर गिवन हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कितना है, यानी कि इनपुट कितना दिया गया होगा इसमें, यानी कि आपसे पूछा गया है ईटा गिवन है, ईटा गिवन है 30% बेटा यहाँ पर इफिशियंसी कितनी गिवन है, 30% गिवन है, और आपसे पूछा गया है कि इसने कितना वैल्यू ली होगी इनपुट की, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल बट टू बट मैं इसलिए क्वेश्चन पर ले आया हूँ, मैं आपको बिल्कुल हवा में काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। पावर से रिलेटेड पावर कभी नहीं पूछी जाती क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलता है ज्यादा, तो आपके एनसीईआरटी में जो बर्ड कहीं पर नहीं है उसमें जहाँ पर पावर पढ़ाया गया, लेकिन मैं इसको स्पेशली आपको लेके आया कि जो जिसकी पढ़ेगी आपको। चलो यानी कि सबसे पहले टाइम, टाइम जो गिवन है, टाइम हमारा मिनट में है, जबकि हमारे पास बाकी है, आपको पता है कि इसमें जी यूज करेंगे तो वो कितना होगा जी, आपको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इस टाइम को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा वैल्यू, ठीक है ना। दूसरा वॉल्यूम का, हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें वॉल्यूम से एक चीज निकालनी होगी, वो हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम की हेल्प से मास निकालना होगा। यदि आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है ऑलरेडी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, छोटी क्लास में हमने पढ़ रखा है कि यदि डेंसिटी हमें पता है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मेरे लाख थोड़ा देखना है यहाँ पर, यहाँ से क्या हम डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पता है और पानी की डेंसिटी आपको ऑलरेडी याद है 1000 मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। अब देखना यदि मैं वॉल्यूम से मास निकालू तो वॉल्यूम से मास कितना निकलेगा, वो थोड़ा देख लेते हैं, 30, यहाँ से मैं टाइम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, 60 × 15 सेकंड में लाख 200 में आ गया, ठीक है, टाइम को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की हेल्प से हम मास निकाल लेते हैं और मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी है वहां पर, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी भरा जा रहा है एक पंप की हेल्प से, ठीक है ना। तो देखना है यहां से मास इक्वल टू हो जाएगा 30 × 1000, पानी की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है ना। चलिए यहां से मास की हम बात करें तो m इक्वल टू आपका आ गया, m इक्वल टू 30 और 30 और होती है, ठीक है ना, जो वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। अब बात नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सर हमें निकालना क्या है, इनपुट निकालना है, क्वेश्चन मार्क में इनपुट की बात कर रहा हूं और आउटपुट की देखें हम यहां पर, तो आउटपुट, आउटपुट पावर कितना निकल रहा है, आउटपुट पावर कितना है, और पावर के दिमाग में ही आता है पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब आते हैं वर्क डन कितना है, अब वर्क डन किसके फॉर्म में हो रहा है, सर पानी ऊपर जा रहा है और पानी ऊपर जाके कहां हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हो जाएगा अपना mgh, ठीक है ना, क्या हो जाएगा mgh। मैं यहां लिख देता हूं वर्क, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन कितना है, सर वर्क डन पानी जो है वो mgh हाइट पर जाके स्टोर किया जा रहा है, पानी mgh हाइट पर जाके स्टोर किया जा रहा है और टाइम तो अपने पास है ही। यहां से हमारे पास आउटपुट
पावर। आउटपुट पावर कितना निकला? एम हमारे पास है 3 और 40, जी अपना 9.8 और एच कितना है 40 अपॉन टाइम कितना है 60 इनटू 50। भाई ये तो हमारे पास आउटपुट पावर निकला है, आउटपुट पावर निकला है। अब हमें चाहिए क्या था सर? हमें चाहिए था इनपुट कितना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लाइन में पढ़ के दोबारा सुना देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप, कितनी इनपुट ली जा रही है। काम तो निकला है सर, इसने इतना काम कर दिया, इतना पावर का काम कर दिया, इतनी पावर का काम कर दिया, इनपुट कितना लिया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खाई, तब ये काम किया है। लेकिन इसमें एक बात और भी कह रहा है, उसमें कह रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भले ही 100 खा रहा हो, काम 30% ही कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है एफिशिएंसी कितनी है 30% है, ठीक है ना। तो अब हम लगाएंगे ये एफिशिएंसी वाला फार्मूला, ठीक है ना। एफिशिएंसी वाला फार्मूला कहता है n ईटा, ईटा कितना लिखेंगे 30% का मतलब अपॉन 100 इक्वल टू 30/100 इक्वल टू आउटपुट कितना हमारे पास, आउटपुट है 30,000 इनटू 9.8 इनटू 40 अपॉन 60 इनटू 15 अपॉन, और बेटा यहां पर इनपुट लिख दो इनपुट, ठीक है ना। अब क्या करें, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो सबके समझ में आ गया ना? Yes, अब हमें निकालना है यहां से इनपुट, इनपुट और इनपुट आप सॉल्व कर लेंगे इसको सिंपल सा कैलकुलेशन लगा के। क्वेश्चन में भले ही क्वेश्चन आपको देखने में और पढ़ने में अजीब लग रहा हो, करना क्या है। वैसे क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन था आपका पावर का, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया हूं ना, क्वेश्चन में आपको बाद में करा सकता था, लेकिन मैं पावर पढ़ाने के बाद मुझे क्वेश्चन कराना था। और क्वेश्चन में यदि इफिशियंसी, यदि पावर से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, इफिशियंसी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए या फिर आप अपने एग्जाम की बात कर लीजिए, पावर से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले आपको एफिशिएंसी समझनी होगी। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब कितना काम कर दिया उसने, और इनपुट मतलब कितना उसने कंज्यूम कर दिया, ठीक है ना। और इसमें आपको इनपुट निकालना है, आउटपुट आप सॉल्व कर दिया और इनपुट निकाल लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद। थैंक यू सर।